शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि सारी वो चीजें जिनकी जरूरत पड़ने वाली है वो पहले से पूरी चेकलिस्ट तैयार रखिए मैं इस चेकलिस्ट के अंदर कफन वाले रिक्वायरमेंट्स भी बता रहा हूं ताकि आप सारे दोनों स्टेज के रिक्वायरमेंट्स एक साथ में तैयार कर लें सबसे पहले आपको कफन की तीन चादरें चाहिए ये तीन चादरों के ताल्लुक से और तफसीला इनशाला मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जब हम कफन के स्टेज पर पहुंचेंगे हमें इसके पह� अलावा वो तीन चादरों के अलावा दो चादरें और चाहिए और ये दो चादरें आपके घर के इस्तेमाल वगैरह की कोई भी एक्स्ट्रा किस्म की चादरें आपके पास हो वो आप ले सकते हैं ये दोनों चादरें कफन में नहीं जाने वाली है ये गुसल के मरहले पर ही काम आएगी लेकिन इसका क्या काम है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसके अलावा आपको एक टाबल चाहिए और आपको दो ग्लव्स चाहिए ये ग्लव्स जो मेरे पास है इस तरह के आप चाहे इस तरह के ग्लव्स लें चाहे मेडिकल वाले दो ग्लव्स आते हैं वो यूज कर लें कई बार कफन के सेट के अंदर ऐसे ही कपड़े का बनाया हुआ एक रफ किस्म का ग्लव्स होता है जो पहन करके ऐसे बांध देना होता है वो भी चल जाएगा इसके अलावा वॉशिंग के लिए इस तरह के दो रफ किस्म के कपड़े कोई भी रफ किस्म के कपड़े जो धोने के लिए हमें रिक्वायर्ड है जिसम को धोते टाइम पर ये दो होना बेहतर है अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कुछ चीजें हैं जो कुरान और सुन्नत का रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिमाइन व सिदरिन उसे धो यानी मैत को धो पानी से और बेरी के पत्तों से तो ये बेरी के पत्तों का जो रिक्वायरमेंट है ये हदीस से आया है या जैसे काफुर का रिक्वायरमेंट हदीस से आया है लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे प्रैक्टिकल जरूरत के एबार से जो कुरान और हदीस में जिसका कोई क्लियर जिक्र नहीं आता है लेकिन जिस तरीके से घुसन देना मैं आपको सिखाने वाला हूं उस तरीके में मुझे ये दो चादरें रिक्वायर्ड है अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एक चादर से मैनेज कर सकते हैं हम फलन तरीके से करेंगे आप करिए ये कुरान और हदीस वाला मसला नहीं है ये बस प्रैक्टिकल तरीके से कैसे गुसल दे उस चीज के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम ये देख रहे थे कि दो तरह के वॉश करने वाले कपड़े ये भी कोई कुरान और हदीस वाली बात नहीं है ये बस प्रैक्टिकल जरूरत के अतबार से है आगे हम ये देखते हैं हमें रिक्वायर्ड है ये काफूर यह है कैम्फा काफूर के तालुक से हदीस में आया है फिल आखिरती काफूर आखिरी गुसल के अंदर काफुर डालो कैंफर डालो कभी कभार किसी से जब कहा जाता है कि कैंफर ले लो तो लोग वो जो 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 मौत बॉल्स आते हैं की सफेद कलर के बॉल्स आते हैं वो ले आते हैं हालांकि ये जो कैंफर होता है ये ये इस तरह का कई बार ग्रैन्यूल्स की शक्ल में भी आता है पाउडर की शक्ल में भी आता है और ये इस तरह से कि अगर आप इसे दबाएंगे तो ये फॉरन पाउडर बन जाता है मैं आपको करके बताऊंगा थोड़ी देर बाद तो हम ये देखते हैं इसकी स्मेल भी अगर आप करके देखें तो ये ये जो काफूर है ये वो मैत के अंदर आप कभी जाए तो यही खुशबू होती है जो हर जगह पर होती है। इसके अलावा हम ये इत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं क्यों उस तालुक़ से हदीस आगे आने वाली है और प्रैक्टिकल तौर पर ये रुई हमें चाहिए थोड़ा ज्यादा ही साथ में रखना मंगा के रख देना अच्छा है ताकि लास्ट मिनट में भागना ना पड़े ऐसे भी बहुत ज्यादा कॉस्नी होता है और इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के पत्तों का जिक्र किया अगर आपको बेरी के पत्ते मिल जाए बहुत अच्छा और नहीं मिल पाए तो आप इस तरह से कोई भी साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अक्सर वो जनाजे के सेट के अंदर ऐसे कोई एक साबुन आता है आगे हम ये देखते हैं कि जनाजे के सेट के अंदर इस तरह का सूरमा भी मिलता है हम इसे यूज नहीं करने वाले हैं और इस तरह का गुलाब का अर्क रोज वाटर भी आता है हम इसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं आगे तफसी आएगी इस तरह का ये एक पाउडर आता है जो कब्रिस्तान वाले अक्सर देते हैं ख़ासतौर से शहरों में ये इसलिए होता है ताकि कफन के अंदर डाला जाए ये भी कोई कुरान और हदीस वाला रिक्वायरमेंट नहीं है ये इस मकसद से है कि बॉडी जल्दी डे हो जाए जल्दी गल जाए ताकि अगले किसी और की बॉडी उसमें डाली जा सके इसे डालने में एक शर्यी तौर पर कुरान और हदीस के तौर पर ऐसे कोई सुन्नत नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक ज़रूरत होती है जब शहरों में रहते हैं और इस तरह से कब्रिस्तान जब लिमिटेड होते हैं तो ये मजबूरी होती है एक तरह की और ये एक सुई और धागा अक्सर आता है सेट में ये सुई धागा का भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है हो सकता है कभी कहीं रिक्वायर्ड हो हम देख लेंगे क्योंकि कभी कभार कफन की चादरें छोटी बढ़ जाती है लेकिन वो चादरों को सीने के लिए ये सुई धागा तो बहुत डिफिकल्ट है वो सिलाई मार लेना ही ज्यादा बेहतर होता है ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें